आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके जीवन में आर्थिक तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में आर्थिक तनाव या फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरते हैं, और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करने लगता है। सो आज हम जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर में मदद पा सकते हैं। ये बहुत रियल है रिबेका। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक तनाव को लेकर बहुत ही चिंतित है, जिसका असर उनके परिवारों पर होता है, घर पर होता है, रिश्ते पर होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आर्थिक तनाव में हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। शायद एक लोन भरने के लिए एक और लोन ले लिया, और फिर धीरे धीरे वो लोन जो है वो डेट में, वो कर्ज में तब्दील हो जाता है। और कभी कभी मार्केट चेंज हो जाता है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, और इसलिए हमने देखा है मार्केट क्रैश के बारे में इतिहास में। कभी कभी मार्केट एकदम क्रैश हो जाता है और लोगों ने जो पैसा लगाया है उसका तनाव वो लेकर चलते हैं। उथल पुथल होता है, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिनारियों में अलग अलग चीज़ें होती है। दोस्तों, इस सब तनाव का सामना हम कैसे करें, क्या कर सकते हैं कि हमारे मानसिकता को हम अपने संतुलन को बनाए रखें, चाहे हमारे आसपास चीज़ें बदल रही है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। इसी के बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जी, और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अगर आज आप भी आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं, आप आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम से मदद पाएंगे। दोस्तों, आइए इस समय हम मुलाकात करें मंजुला अवल से और जानें कि कैसे ये भी एज ए सिंगल पेरेंट अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से गुजर रही थी, कर्जे से गुजर रही थी, इन्होंने कैसे मदद पाई। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और कुछ ऐसा ही सपना मंजुला ने भी अपने बच्चों के लिए देखा। मैंने ये सोचा कि एक लोन लेके घर बनाया जाए, लेकिन जब घर बनने को आया तब तक लोन के पैसे खत्म हो चुके थे, और पैसों की कमी के कारण मुझे और दूसरी जगह से पर्सनल लोन लेना पड़ा या लोगों से मुझे लोन लेना पड़ा। उस समय बहुत ही मैं परेशान थी कि सैलरी मेरी बहुत ही कम थी। हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मगर सैलरी कम होने के कारण मुझे उस लोन को पटा पाना बहुत मुश्किल था। लोन ना चुकाने के कारण मंजुला की परेशानी बढ़ने लगी। तो पूरे समय मुझे लेनदार ही दिखाई देते थे, और मैं जिधर से भी निकलूं उधर ऐसा लगता था कि इधर कोई लेनदार ना दिख जाए। मुझे बहुत खराब लगता था, मुझे बहुत ही आत्मग्लानी होती थी कि मैं क्यों लोन लेकर घर बनाई, पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ये मैं हमेशा सोचा करती थी। और बच्चे छोटे हैं, कैसे लोन पटाएंगे, उनकी पढ़ाई है, बहुत सी बातों के लिए मैं चिंता किया करती थी। लोन के बोझ में मंजुला अब इस कदर तक डूब चुकी थी कि उन्हें अब इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लोन के कारण मेरी मानसिक शांति चली गई थी, और उसी समय मेरा ट्रांसफर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और मुझे डेली अप डाउन करना होता था। पैसे बहुत कम थे, बच्चे छोटे थे, उनकी भी देखभाल मेरी जिम्मेदारी बनती थी, और जब मैं अप डाउन करती थी उस समय मैं, मतलब मुझे एक रुपए की कोई चीज़ खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, मैं इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान थी। मानसिक रूप से लोन के बोझ में दबी हुई मंजुला ने अपना रुख परमेश्वर की ओर किया। रात के समय एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे इस लोन से बचाइए, लोन से छुड़ाइए, मैं लोन के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया व्यवस्था विवरण 31:6 के अनुसार कि मत डर, हियाव बान मत डर, भयभीत न हो, तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला तेरे साथ है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वादे के अनुसार जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। इस वचन से मंजुला को ताकत मिली और वो दोबारा से मानसिक रूप से मजबूत हुई और लोन को चुकाने में लग गई। मैं जब सफर करती थी मैं पूरे समय सोचा करती थी कि प्रभु आपने जो मुझे वादा किया है, आपने जो मुझसे बातचीत किया है व्यवस्था विवरण 31:6 के अनुसार, उसके अनुसार मेरे परमेश्वर पिता आप मेरे
संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं और आप मुझे धोखा नहीं देंगे, इस बात को आपने साबित किया है प्रभु। प्रतिदिन मैं आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर पिता कि आप मेरे साथ रहेंगे। इस तरीके से मैं और भी विश्वास में बढ़ती रही। परमेश्वर ने उसी समय एक स्कीम निकलवाया और जिसमें बैंकों ने ये कहा कि आपके जितने भी कर्ज के लोन, दूसरे बैंकों का लोन है या बाहर का लोन है, आप सारे एक जगह इकट्ठा करके आप हमारे बैंक से लोन ले लें। इस तरीके से मैं बैंक का सारा अपना कर्जा उतार के, बैंक का लोन लेके सारा कर्जा मैंने उतारी। मतलब मेरे पास अब जिम्मेदारी केवल एक बैंक में पटाने की थी। और मेरी उस समय फिर मेरी सैलरी भी बढ़ी, परमेश्वर ने मेरी सैलरी में आशीष दी। उस समय छठवां वेतनमान लगा और मैं अपने लोन को आसानी से पटा सकी। थैंक यू वेरी मच मंजुला आपकी कहानी के लिए। आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैव बीन ब्लेस्ड, और क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपकी जो कहानी है, आपका जो जीवन है, सबके लिए बहुत इंकरेजमेंट बन करके आया है। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा इस कहानी में मंजुला जी ने बताया कि कैसे जब कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, तब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में आया और कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि उसी के द्वारा हर समस्या, हर मुसीबत का हल आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान एक दिन में कितनी सोच सोचता है, कितने थॉट्स उसके माइंड में क्रॉस होते हैं? अंदाज लगाइए, क्या लगता है आपको? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक इंसान एक नॉर्मल डे में, आम दिन में 50 से 80 हजार विचार उसके मन से गुजरते हैं। कमाल है ना, 50,000 to 80,000 थॉट्स हमारे माइंड में क्रॉस होते हैं डेली बेसिस पे। क्या लगता है हम किस बारे पे विचार करते हैं? कभी सोचा है आपने? हैव यू एवर थॉट व्हाट यू थिंक अबाउट? दोस्तों, इसमें से कई विचार हमारे आर्थिक होते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा, पगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या जो मैंने निवेश किया है क्या उसका इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, मेरी कल की रोजी रोटी के बारे में क्या, वगैरह वगैरह। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार हमारे आर्थिक को लेकर, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर होती है। और हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है? अगर हमें मानसिकता में मजबूत होना है, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचनों की ओर देखें। दोस्तों, शास्त्र कहता है, एक पत्रस 5:7 में बहुत ही खूबसूरत वचन है जो कहता है कि कास्ट योर एंग्जाइटी, कास्ट योर बर्डन्स ऑन टू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। यीशु मसीह को आपकी फिक्र है दोस्तों, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। फैक्ट, बड़ी सी भीड़ से यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात की। यीशु जानते थे कि इस भीड़ में कई सारे लोग हैं जो आर्थिक व्यवस्था को लेकर बहुत चिंतित है। देखिए लूका 12:24 वचन में यीशु मसीह ने इनसे और हमसे क्या कहा। लूका 12:24 में यीशु मसीह कहते हैं, कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार है और न खत्ता होता है, तब भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। देखा दोस्तों, यीशु मसीह क्या कहते हैं, कौओं पर ध्यान दो। हमारे देश में कितने सारे कौवे हैं, है ना, ध्यान देने की जरूरत भी नहीं, वो तो हमारे आसपास उड़ते रहते हैं। परमेश्वर कहता है जब वो पंछियों का ख्याल रखता है, जब वो इन पक्षियों का ख्याल रखता है, तो हम बहुत ज्यादा मूल्यवान है परमेश्वर के नजर में, इन पक्षियों की तुलना में। तो क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा? जरूर रखेगा दोस्तों। परमेश्वर पे यकीन करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, अपने मन को विचलित ना होने दे, कोई बोझ मत उठा करके चलिए, अपने आर्थिक व्यवस्था में परमेश्वर को बीच लेकर आए, अपना अपने पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर पर नजर लगाए, वो आपके हर जरूरत को अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन कहता है कि हमारा पिता जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो जानता है। और हम ये बात को समझते हैं कि वो उत्तम चीज़ें हमें देना चाहता है, हमें प्रोवाइड करना चाहता है।
हर क्षेत्र में, तो क्यों ना हम उस पर निर्भर रहें, अपनी समझ का सहारा न लें पर परमेश्वर पर हम निर्भर हों। अपने फाइनेंसेस में हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, जैसे राहुल ने आज हमें इंकरेज किया। और दोस्तों, क्यों ना हम अपने फाइनेंसेस के लिए खास प्रार्थना करें। जो भी पैसे हमारे पास है या जो भी जायदाद धन दौलत हमारे पास है, उसे हम परमेश्वर को दें और उसके लिए प्रार्थना करें। और आइए दोस्तों, मिलकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। आप प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप अपने फाइनेंसेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, और आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cpnindia.org/cpnspecialoffers। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर कभी कभी हम दुविधा में होते हैं और हमें समझ में नहीं आता क्या करें, इसके बजाय कि हम कोई गलत कदम उठाएं, अच्छा है कि हम सलाह मशवरा करें। तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, हमें खुशी होगी आपके साथ बात कर आपके लिए प्रार्थना करना और आपके साथ सलाह मशवरा करना। अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए सवाल हम देखने वाले हैं कोई शक में, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। क्या रोज किसी न किसी बात को लेकर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजरना पड़ता है? क्या आपका दिल पत्थर के तरह भारी हो जाता है ये सोचकर कि आपको फिर से दुनिया का सामना करना पड़ेगा, काम की टेंशन होगी, बच्चों की चिंता होगी? ऐसे समय में आप काउंसलिंग की मदद जरूर लें। इन तीन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने काउंसलिंग स्लॉट को आज ही बुक करें। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN स्पेशल ऑफर्स। एंड स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपने फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ सीरीज में हम जान रहे हैं कि जब हम आर्थिक तनाव से गुजरते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देता है, और आज हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं। बिल्कुल रिबेका, हमने अक्सर देखा है इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारे ऐसे सलाहकार आते हैं जो हेल्प और एडवाइस देते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ अपने अनुभव से देते हैं, लेकिन कई सारे डाउट्स हमारे मन में जागता है कि हम क्या करें, कैसे फाइनेंशियल डिसीजन ले, क्या इस जगह इन्वेस्ट करें या नहीं, बहुत सारा चैलेंज को फेस करते हैं हम। जी बिल्कुल, और एक और फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और वो हैं हमारे परमेश्वर, जो हमें एडवाइस करते हैं पर कई बार हम उनके एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अब समय है कि हम उन सवालों के जवाब दें परमेश्वर की मदद से और वचन की मदद से। तो समय है कोई शक का। दोस्तों, कोई शक में आज के पहले सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मेरे पास एक ही नौकरी है और मेरे पास अपने परिवार की जिम्मेदारी है, मेरा खर्चा मेरी आमदनी से ज्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए? That is a very real question. Thank you, आपने ये सवाल किया है, और हम समझ सकते हैं एक टफ सिचुएशन है आपके लिए कि आपका खर्चा जो है वो शायद आपकी आमदनी से ज्यादा है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आती होंगी। दो चीजें आप कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल एडवाइस ये होगा कि कोशिश करें आमदनी को बढ़ाने का, या तो खर्चे को घटाने का, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि कहीं ना कहीं शायद आप कोई पार्ट टाइम चीज़ करें, पार्ट टाइम काम ले, जिसको आज हम मून लाइटिंग कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ साल पहले जब वो फ्री थे तो उन्होंने मून लाइटिंग शुरू किया था, तो शायद आप थोड़ा आमदनी को पुश कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ समय के लिए खर्चे जो है, जो कंपलसरी है, जो मस्ट है, जो नीड्स है, उसको आपको करना ही है, लेकिन शायद थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है, लग्जरी है, उस पर थोड़ा आप कट कर सकते हैं जस्ट एक सीजन के लिए। और दूसरा चीज़ जो आप ज़रूर कर सकते हैं वो है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करें तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बंद दरवाज़ों को खोलता है, वो आशीषों को खोलता है। तो आप परमेश्वर पे यकीन कर सकते हैं, हमें यकीन है परमेश्वर आपकी स्थिति को जरूर बदलेगा। जी, दैट वाज अ वंडरफुल आंसर फ्रेंड्स, और हम आशा करते हैं कि डियर फ्रेंड आपने मदद पाई है इस जवाब से। और आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल।
हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मेरी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में मैं अपना दशमांश कैसे दूं? यस, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं दोस्तों। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मैं बहुत मुश्किल से गुजर रहा हूँ या मेरे पास ज्यादा आमदनी नहीं है, तो क्या ये देने का वचन मुझ पर भी लागू होता है? क्या परमेश्वर मुझसे भी अपेक्षा करता है या फिर चाहता है कि जो रईस है, जो अमीर लोग हैं, वही दे? दोस्तों, इसका सवाल यीशु ने एक कहानी के द्वारा हम देखते हैं। यीशु के जीवन की एक कहानी है, मरकुस 12 में, लूका 21 में। एक कहानी है एक गरीब विधवा की। वो आई दान देने के लिए और उसने दो दमड़ी, जो सबसे लो कॉइन है वैल्यू में, वो परमेश्वर के राज्य में डाला। और पता है यीशु ने क्या कहा? कि इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। शिष्य सोचते होंगे, कैसे? इसने तो दो दमड़ी डाला है और जो बाकी रईस लोग हैं उन्होंने बड़ी बड़ी रकमें डाली। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, इसने दिया है अपनी गरीबी में से। तो याद रखें, जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो अपने आशीषों को हम पर बरसाए। है ना, मलाकी में यही वादा है परमेश्वर का कि तुम जब दोगे तो देखो कि मैं तुम्हें आशीषों के दरवाजे, आई विल ओपन शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन यू। परमेश्वर स्वर्ग से हमें आशीष देगा। क्या आप आशीष चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को जरूर दे। जी बिल्कुल। और जब आप दान देते हैं तब परमेश्वर आपके दान से ज्यादा आपके मन को देखते हैं, आपके दिल को देखते हैं। और अगर आपका दिल सही है दोस्तों, तो परमेश्वर आपको जरूर बहुत आशीषित करेंगे। दोस्तों, इसी तरह आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें, और अपने सवाल हमें पहुंचाने के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910404010 पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, या आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके सवालों का भी इंतज़ार रहेगा। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन दर्शकों के लिए जो शायद आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं और ये आपको आपके मानसिकता को तकलीफ पहुंचा रही है। आप दुविधा में हैं, आप चिंता में हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आर्थिक तनाव से बाहर आ सकते हैं, और कैसे जब आप आर्थिक तनाव से गुजरते हैं तब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन पैसे के बारे में बहुत कुछ कहता है। इनफैक्ट किसी ने कहा है कि जितना यीशु मसीह ने प्रार्थना और उपवास के बारे में बात नहीं किया, उतना धन और संपत्ति के बारे में बात किया। तो परमेश्वर को ये फर्क पड़ता है कि हम अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 10% या 20% नहीं, 100%। तो जिस तरह से हम पैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हमें समझ की ज़रूरत है। आज हम प्रार्थना करेंगे। कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी कमी घटी को तू पूरा कर, क्योंकि वो एक अच्छा चरवा है जो हमें आशीषित करता है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू वो अच्छा पिता है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि अगर हम तुझसे रोटी मांगे तो तू पत्थर नहीं देगा, अगर कोई बच्चा अपने पिता से अंडा मांगे तो वो उसे सांप नहीं देगा।
कितना खूबसूरत चित्र तूने हमें दिखाया प्रभु, कि हम जो सांसारिक होकर अगर हमारे बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता कितना अधिक देगा। प्रभु तूने हमें कितना कुछ दिया है, हम चाहते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए कि हमारा मन तेरी ओर लगा रहे प्रभु, हम आर्थिक तनाव में ना जिए, क्योंकि तू ये नहीं चाहता प्रभु। जब हम तनाव में जीते हैं इसका मतलब हम अपने जीवन को अपने काबू में रखते हैं, लेकिन प्रभु हम तुझे समर्पित करना चाहते हैं, हमारा जीवन, हमारे जीवन का आर्थिक क्षेत्र तेरा है प्रभु। तू आशीषों को बरसा और हमें सिखा प्रभु कि कैसे हम विश्वास योग्य जीवन जिए, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों याद रखें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलता है, और जो दरवाजों को परमेश्वर खोलता है, वचन कहता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब आप दे रहे हैं, आप याद रखें परमेश्वर के राज्य में आप बो रहे हैं और उसका फसल आप यकीनन काटेंगे जी। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी मदद करें कि आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उनके अच्छे भंडारी बन सके, दैट यू वुड बी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आजकल हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खरीदना चाहते हैं, पर शायद सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और फ़ायदेमंद नहीं है। परमेश्वर हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान दे कि हम जब कुछ भी खरीदते हैं या जिस तरह से हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, हम परमेश्वर हमें वो समझ दे कि हम सही तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल करें। आइए दोस्तों देखते हैं परमेश्वर का अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों ये वचन हमें कह रहा है कि हम हर बात में परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं, उन सब में हम एक बैलेंस को देखेंगे, और ख़ास करके जो हमारा जो फाइनेंशियल जीवन है, जो हमारी जो आर्थिक जो चैलेंजेस का हम सामना करते हैं उसमें भी हम एक बैलेंस को देखेंगे। इनफैक्ट हम उसमें उन्नति और आशीष को देखेंगे अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। यस दोस्तों, जैसे रिबेका ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। जब हम परमेश्वर को पहला रखते हैं तब हम देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, व्यक्तिगत है, रिश्तों में है या आत्मिक है, हर क्षेत्र में प्रभु की आशीष को हम देखते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीषित हुए हैं। आपको परमेश्वर ने बताया है कि आपकी आर्थिक स्थिति में परमेश्वर दिलचस्पी लेता है और वो नियंत्रण में है। दोस्तों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आर्थिक तनाव को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए और यकीन कीजिए वो आपके साथ भलाई करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा सिर्फ प्रभु का नाम लेंगे और प्रभु में आप मदद पाएंगे। अब समय है कि हम सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च की क्वायर को सुने जो हमारे गा रही है ये गीत, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। इस गीत को आप सुने और इसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम।
Yeshua.